Assalamualaikum, hi guys, welcome to my channel. In today's video, I will be sharing complete skincare guide for teenagers. तो ये वीडियो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ टीनेजर्स के लिए बनी है. वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड गाइस, मैं आपके साथ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी जो टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं. स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड येस, टीनेजर्स भी स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए. तो मोस्टली टीनेजर्स को एक्नी का इशू होता है. हमें एक्नी तभी निकलती है जब हम टीनेजर्स होते हैं. सो गाइज, अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी एक्नी भी कम होगी, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्किन केयर रूटीन. डेली स्किन केयर रूटीन जो आपने एवरी डे फॉलो करनी है, वीकली स्किन केयर रूटीन जो आपने वीक में सिर्फ और सिर्फ दो दिन फॉलो करनी है, एंड मंथली स्किन केयर रूटीन जो आपने वन मंथ में एक बार फॉलो करनी है. तो अब हम इन स्किन केयर रूटीन्स के बारे में डिटेल से सेपरेटली बात करते हैं. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट डेली स्किन केयर रूटीन. जैसे मैंने आपको बताया था, डेली स्किन केयर रूटीन मतलब एवरी डे स्किन केयर रूटीन. तो जो मैं आपको स्किन केयर रूटीन बताने लगी हूँ वो आपने डेली फॉलो करनी है. सो गाइस, डेली स्किन केयर रूटीन के अंदर दो और स्किन केयर रूटीन्स आती है. एक है मॉर्निंग, एक है नाइट. सो मॉर्निंग रूटीन डिफरेंट है, नाइट रूटीन डिफरेंट है. सेपरेटली दोनों के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं. एंड आपने दोनों स्किन केयर रूटीन मस्ट फॉलो करनी है, मॉर्निंग भी नाइट भी स्किप नहीं करनी. सो सबसे पहले मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं. मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के अंदर आप चार बेसिक स्टेप्स डाल दो. नंबर वन इज क्लिंजिंग, जिसमें आपने अपना फेस वॉश करना है यूजिंग अ फेस वॉश. अपने फेस को साबुन से मत धोएं, साबुन नहीं अच्छा होता फेस के लिए. कोई भी अच्छा सा जेंटल फेस वॉश यूज़ करें. तो मैं आपके साथ अपने एक दो फेवरेट फेस वॉशेस शेयर कर लेती हूँ जो अफोर्डेबल भी है. सो नंबर वन इज़ क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश. ये एक्नी स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है. सो द नेक्स्ट वन इज़ पॉन्ड्स के फेस वॉशेस. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. फेशियल फॉर्म होते हैं, अच्छी सी झाग बना देते हैं, बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करते हैं. बट गाइस, ये ड्राई स्किन वाले मत यूज़ करें, इट्स ओनली फॉर ऑयली स्किन. ठीक हो गया. अगर आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में नहीं पता तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो ज़रूर देखना. क्योंकि अगर आपको अपनी स्किन टाइप ही नहीं पता तो आप प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करोगे. हो सकता है आपकी स्किन ऑयली हो बट आप ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और आपकी स्किन और ख़राब हो रही हो. सो अपनी स्किन टाइप जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक हो गया. तो नंबर वन स्टेप था हमारा क्लिंजर. इसके अलावा आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो. यू कैन यूज़ योर फेवरेट फेस वॉशेज. सेकेंड स्टेप है टोनर. फॉर टोनर मैं आपको एक ही प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी, विच इज़ रोज़ वाटर. रोज़ वाटर इज़ अ नेचुरल टोनर. ये आपकी रेडनेस को कम करता है, आपके फेस को ब्राइटन अप करता है, आपके पोर्स को क्लीन रखता है और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है. एंड गाइज, आप रोज़ वाटर को दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ कर सकते हो, इट्स सेफ टू यूज़. ठीक हो गया. और रोज़ वाटर को फ्रिज में रखा करो. एंड आपने फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे रोज़ वाटर लगाना है. जब आपका रोज़ वाटर सूख जाए उसके बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र. तो थर्ड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र. अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, जो मर्जी है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है. मॉइस्चराइज़र इज़ अ मस्ट. मुझे निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स वेरी नाइस फॉर ड्राई स्किन. इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी लाइट वेट. एक्नी स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा अच्छी है. या फिर आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. स्टेप नंबर फोर इज़ सनस्क्रीन. यस, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, मैं वो यूज़ करती हूँ. आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर लो, रिवाज की है. इसके अलावा काफ़ी अदर कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर लो. अब आपने ध्यान रखना है कि आपने मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाते वक्त थोड़ा सा गैप देना है. फौरन मॉइस्चराइज़र के ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगा देनी. पहले मॉइस्चराइज़र को सेट होने दो अपने फेस पे, उसके 10 टू 15 मिनट्स बाद आप सनब्लॉक लगा लो. ठीक हो गया. सो ये थी हमारी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. अब बात कर लेते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन पर.
सो नाइट स्किन के रूटीन का सबसे पहला स्टेप है क्लिंजर। आपने अपना फेस वॉश करना है यूजिंग अ फेस वॉश। यस, आप सेम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग एंड नाइट में, इट्स ऑल अप टू यू। मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। मैं क्लीन एंड क्लियर का मॉर्निंग में यूज़ कर लेती हूँ, पॉन्ड्स का मैं रात को कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है आप दो करो, आप एक भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड गाइस, याद रखना है आपने कि आपने फेस वॉश से अपना फेस सिर्फ और सिर्फ दिन में दो दफ़ा वॉश करना है, मॉर्निंग एंड नाइट, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फेस वॉश ज़्यादा नहीं यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ दो दफ़ा यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र। रात को सोने से पहले आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम लगा के सोना है। फॉर टीनएजर्स आई विल रिकमेंड विटामिन सी सीरम यूज़ कर लो, या तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लाइक निविया सॉफ्ट यूज़ कर लो। इसके अलावा अगर आपने कुछ नहीं ख़रीदना दोनों में से, तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रात को लगा के सोना है, क्योंकि रात को हमारी स्किन रिपेयर होती है। सो गाइज, ये थी हमारी डेली स्किन केयर रूटीन जो आपने एवरी डे फॉलो करनी है, सुबह जब आप उठो तब और रात को सोने से पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकली स्किन केयर रूटीन। सो वीकली स्किन केयर रूटीन एक हफ्ते में दो दिन करनी होती है। आप कोई भी अपने दो दिन सेट कर लो, एक संडे कर लो तो एक ट्यूसडे कर लो। ये एक एग्जांपल थी, मैंने अपना एक वेनेसडे सेट किया हुआ है और एक सैटरडे सेट किया हुआ है, ठीक हो गया। आपने ये नहीं करना कि एक मैंने मंडे को कर ली, ट्यूसडे कर ली, थोड़ा सा गैप भी दो बीच में। एंड गाइस, जब आप स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे होते हो, आपने उसको छोड़ नहीं देना। थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, लेकिन छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहो। सो वीकली स्किन केयर रूटीन के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। ओके, सो स्टेप नंबर वन इज़ क्लिंजर। इधर आप कोई भी फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेपरेट क्लिंजर खरीदो, आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, आप होममेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। यस गाइस, रो मिल्क इज़ अ वेरी नाइस क्लिंजर, मुझे बहुत पसंद है। इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन। ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, तो आप नॉर्मल दूध भी यूज़ कर सकते हो एज अ क्लेंजर। बस अपना अपने फेस पे लगाओ, मसाज करो एंड वन टू टू मिनट्स के लिए छोड़ दो, फिर फेस वॉश कर लो, तो बहुत चीज़ आपके फेस को क्लीन कर लेता है। इसके अलावा मेरे पास ये हिमानी का फेस वॉश है, मैं ये यूज़ करती हूँ वीकली स्किन के रूटीन में। बट गाइस, अगर आपके फेस पे एक्नी है तो इसको मत यूज़ करो। पिंपल्स हैं, फ्रेश पिंपल्स पे अगर आप यूज़ करोगे तो उसका ब्रश है, फिर आपके पिंपल्स अगर छील जाएंगे तो निशान छोड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। स्टेप नंबर वन है क्लिंजर। स्टेप नंबर टू है स्क्रब। स्क्रबिंग इज़ वेरी गुड, ये आपके डेड स्किन सेल को रिमूव कर देती है। बट अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, वहाँ आपने नहीं लगाना स्क्रब, क्योंकि अगर आपने स्क्रबिंग की, आपका पिंपल छील गया, तो वो एक्नी स्कार छोड़ जाएगा और वो एक्नी स्कार इतनी जल्दी नहीं जाता। तो अगर आपके फेस पे ज़्यादा पिंपल्स है तो आप स्क्रबिंग छोड़ दो, कम है तो फिर जहाँ जहाँ पिंपल्स है उसके ऊपर मत करो, साइड साइड पे कर लो। इसके अलावा अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन का इशू है या फिर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स है, तो वहाँ ज़्यादा स्क्रबिंग करो, ठीक हो गया। लेकिन आपने ओवर स्क्रब भी नहीं कर देना, 1 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी। एंड स्क्रबिंग सिर्फ हफ्ते में दो दफ़ा ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इसके अलावा आप घर पे अपना खुद का स्क्रब भी बना सकते हो। आप कॉफ़ी का बना लो, आप चावल का आटे का बना लो, मैंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रहता है, इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो ही यूज़ करो, आप घर पे खुद भी बना सकते हो। लेकिन याद रखना, होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका रिज़ल्ट स्लो होता है, एकदम नज़र नहीं आता, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, बट गाइस इनका रिज़ल्ट परमानेंट होता है। इसके अलावा जो मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका रिज़ल्ट इंस्टेंट होता है, आपको फ़ौरन रिज़ल्ट नज़र आएगा। जब मेरे फेस पे एक्नी होती थी ना, तो मैं क्या करती थी, कभी मैं हिमानी का यूज़ कर लेती थी क्लिंजर, कभी मैं रो मिल्क, कभी मैं हल्दी से बना रही हूँ क्लिंजर, डिफरेंट क्लिंजर्स ट्राई करती रहती थी मैं।
बट स्क्रब मैं मार्केट वाला यूज़ करती थी, मैं होममेड स्क्रब नहीं यूज़ करती थी. क्यों? क्योंकि मैं जो मास्क है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है मास्क, वो मैं होममेड यूज़ करती थी. तो अगर आप सारी होममेड चीज़ें यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट बहुत स्लो नज़र आएगा आपको, लेकिन रिज़ल्ट परमानेंट होता है. तो रिज़ल्ट को थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए मैंने जो स्क्रब था मैं वो मार्केट वाला यूज़ करती थी. और आई थिंक होममेड स्क्रब इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते जितने मार्केट वाले दे देते हैं. तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप क्लिंजर और मास्क है वो आप DIY वाला बना लो, होममेड पे बना लो. कोई भी बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी है, रोज़ वाटर, योगर्ट, मिल्क, कुछ भी ऐड करके मास्क बना लो, ठीक हो गया. और जो स्क्रब है वो आप घर पे ना बनाओ, रेडीमेड स्क्रब जो मार्केट से मिलते हैं. सो मैंने काफ़ी स्क्रब्स ट्राई किए हैं. मुझे हेयर एनर्जी बाय आयशा का स्क्रब काफ़ी ज़्यादा पसंद है. वो थोड़ा सा महंगा है, बट गाइस जब मेरे फेस पे एक्नी थी ना, एक्नी स्कार्स, एक्नी, मैंने वो ही यूज़ किया था, मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे. तो मैं आपको वो ज़रूर रिकमेंड करूँगी. इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबल साइड में आना चाहते हो तो मुझे पॉन्ड्स का ये वाला स्क्रब बहुत पसंद है. ये बहुत ज़्यादा जेंटल है और टीन एजर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसके अलावा भी मैंने काफ़ी स्क्रब्स यूज़ किए हैं मार्केट में. बहुत ज़्यादा स्क्रब अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा है, हमारा स्टेप नंबर 3 है मास्क. उसमें आपने लगाना है एक मास्क. मुझे पर्सनली होममेड मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है. यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको इतने ज़्यादा मास्क मिल जाएंगे. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही मास्क लगाते रहो, आप डिफरेंट ट्राई भी कर सकते हो. मेरा फेवरेट है चावल का आटा प्लस थोड़ी सी हल्दी, और उसमें या तो मैं योगर्ट डाल देती थी, या तो मैं कभी दूध, या फिर कभी रोज़ वाटर. इनको मिक्स करके लगाओ, ये आपकी एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है. तो मुझे ये बहुत पसंद है. मैं अब मेरे फेस पे एक्नी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बट मैं फिर भी ये मास्क यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है. मैंने एक वीडियो में दिखाया है कि इस मास्क को कैसे बनाना है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक हो गया गाइस. इसके अलावा टीनेजर्स को तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो होममेड मास्क यूज़ करें, बट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है. मैंने इतने ट्राई नहीं किए. मैंने हेयर एनर्जी का ट्राई किया हुआ है, मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्राई किया हुआ है. सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा मुझे शीट मास्क बहुत पसंद है, और आप वो यूज़ कर सकते हो, बट 1 month में एक दफ़ा कर लो, या फिर 1 साल में 2-3 दफ़ा कर लो, ज़्यादा ना यूज़ करो. दिस इज़ व्हाट आई विल से फॉर टीनेजर्स, ठीक हो गया गाइस. ओके, सो जब आपने मास्क उतार लिया, उसके बाद आपने टोनर भी लगाना है. रोज़ वाटर ही रिकमेंड करूँगी आपको, मैं अभी तक वही यूज़ कर रही हूँ. आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड अफोर्डेबल टोनर, और वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, ठीक हो गया. टोनर करना है, उसके बाद आपने कोई भी सीरम या फिर मॉइस्चराइज़र भी लगाना है. आप विटामिन सी सीरम लगा सकते हो. टीन एजर्स के लिए मैं वही सीरम रिकमेंड करूँगी, किसी भी कंपनी का ले लो. डॉक्टर डेशल का है, गार्नियर का भी बहुत अच्छा है. डॉक्टर डेशल का मुझे इतना वैसे पसंद नहीं है, आई थिंक गार्नियर का ज़्यादा अच्छा है. इसके अलावा आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना है. एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी, वीकली स्किन के रूटीन ना रात को किया करो, सुबह के टाइम मत करो. क्योंकि मास्क लगाने के बाद ज़्यादा यही प्रेफर किया जाता है कि आप किचन में मत जाओ, आप बाहर धूप में मत जाओ, तो इसलिए रात को फॉलो किया करो. सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट वीकली स्किन केयर रूटीन. तो अपने कोई भी 2 दिन सेट कर लो, आपने ये ज़रूर करना है. इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ही लेजी हो तो आप मास्क प्लस स्क्रब भी बना सकते हो. कॉफ़ी मास्क लगा लो, और जब आपका मास्क सूख जाए तो उसको स्क्रबिंग कर लो, फिर उतार लो, ठीक है. बट आई विल रिकमेंड यू कि आपके 3 steps ज़रूर करो, क्लिंजर, स्क्रबिंग एंड मास्क, ठीक हो गया. और इसके अलावा टोनर एंड मॉइस्चराइज़र भी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंथली स्किन केयर रूटीन. सो मंथली स्किन केयर रूटीन आपने 1 month में एक दफ़ा फॉलो करनी है. मंथली स्किन केयर रूटीन के अंदर फेशियल आता है. ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर से फेशियल करो, आप घर पे भी फेशियल कर सकते हो, आप होममेड प्रोडक्ट से भी अपनी फेशियल किट बना सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. मुझे पर्सनली पार्लर में जाना इतना पसंद नहीं है, तो मैं घर पे अपना फेशियल करती हूँ. अच्छा जी, तो फेशियल के अंदर ब्लीच भी आती है. अगर आपके फेस पे ज़्यादा एक्नी है, मतलब पिंपल्स ज़्यादा है, तो आप ब्लीच को अभी अवॉइड कर सकते हो.
एंड ब्लीच का स्टेप इज टोटली ऑप्शनल फॉर यू गाइज, ये आपकी मर्जी है. आपने ब्लीच करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना तो ना कराओ. ब्लीच करने के बाद पिम्पल्स निकलते हैं, बट वो टेम्पलरी पिम्पल्स होते हैं, वो चले जाते हैं थोड़ी देर बाद. ठीक है, ब्लीच करने के बाद फेस ब्राइटन अप लगता है, अच्छी लुक आ जाती है फेस की. सो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप करवा लो, बट अगर आपने नहीं कराना तो ये आपकी मर्जी है. ठीक है, तो या तो आप एक अच्छी सी फेशियल किट ले लो, या तो फिर आप घर पे खुद ही चीज़ें बना के आप फेशियल कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करना है. फेस को मसाज भी अच्छी तरह से करना है. सो वैसे तो एक फेशियल किट के अंदर क्लिंजर, मसाज क्रीम, स्क्रब, ब्लीच, स्किन पॉलिश एंड मास्क होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी स्टेप स्किप या फिर ऐड कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. एंड गाइज, फेशियल के बाद आपने मास्क के बाद लास्ट स्टेप हमारा होता है मास्क, उसके बाद आपने टोनर एंड एंड पे मॉइस्चराइजर या फिर सीरम भी लगाना है, इसको स्किप नहीं करना. सो गाइस, मैंने डिटेल में आपको तीनों स्किन केयर रूटीन्स के बारे में बता दिया है. इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. एंड गाइस, स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करनी है आपने. ठीक है, डोंट बी लेज़ी. रिजल्ट आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ट्रस्ट मी, बट आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है ना. तीनों स्किन के रूटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फॉलो करना. मुझे साल लगा था, उसके बाद मेरी एक्ने गई थी. I started my skincare routine in 2019 August में, और 2020 में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे pimples बहुत कम हो गए थे, सिर्फ एक दो acne scars रह गए थे. मेरी skin बहुत clear हो गई थी क्योंकि मैंने बीच में कभी छोड़ी नहीं, मैं करती गई. हाँ, अक्सर होता है कि मैं कभी भूल जाती थी कि आज मेरा वीकली स्किन केयर रूटीन है, तो मैं नेक्स्ट डे कर लेती थी. भूल जाते हो या आप बिज़ी होते हो तो कोई नहीं, आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, कभी कर सकते हो नेक्स्ट डे. ऐसा नहीं है कि आपने स्किप ही कर देनी है. ठीक है, बट ज़रूर करनी है. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़.